सबसे पहले तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर को और दुनिया भर में योग के साथ जुड़े हुए सभी साधकों को मन से योग दिन की बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं दें। मित्रों, एक योग जो एक जमाने में शरीर विज्ञान का सूक्ष्म से सूक्ष्म जरूरियातों का अभ्यास कर बनाया गया एक सरल प्रकार का अभ्यास था, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच में एकाकार कर न केवल अपने शरीर को निरोगी रख सकता है, मन और आत्मा को और शरीर को एक साथ जोड़कर अपने खुद के जीवन में, अपने प्रदेश के जीवन में और समग्र विश्व के अंदर एक शुभ गति से आगे बढ़ने का अपना निर्णय कर सकता है। कालांतर में बहुत लंबे समय तक हमारे यहां विदेशियों का शासन रहा, देश गुलाम रहा और धीरे 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 योग अभ्यास सिर्फ साधुओं के लिए, सन्यासियों के लिए और योग का अभ्यास करने वाले कुछ विशिष्ट व्यक्तियों तक सीमित हो गए। समय से चलता था, अनेक लोगों ने योग को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम किए, योगदान दिए और योग को आगे बढ़ाते रहे, परंतु वैश्विक फलक पर योग की चर्चा और योग की मान्यता तब आई जब देश में 2014 में एक बड़ा परिवर्तन आया और देश के अंदर देश की जनता ने परिवर्तन कर अभी के हमारे प्रधानमंत्री जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया। और ये परिवर्तन आने के तुरंत ही बाद जो हमारी धरोहर है योग, उसके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने यूएनओ के माध्यम से विश्व के फलक को इसका परिचय कराने का काम किया। ग्यारह दिसंबर 2014 में यूएन की जनरल असेंबली में प्रधानमंत्री जी ने जब भाषण किया, तब उन्होंने बड़े गौरव के साथ भारत की ये पुरातन परंपरा को, ये हमारे विज्ञान को विश्व के सामने रखने का काम किया। और न केवल विश्व के सामने रखने का काम किया, उन्होंने दुनिया के सभी देशों को अपील की कि भारत का जो ये ज्ञान है जो शरीर को निरोगी करता है, मन को उत्साह देता है और आत्मा को उद्वगति प्रदान करता है, ये ज्ञान ये परंपरा को समग्र विश्व को देने के लिए भारतवर्ष तैयार है। और उन्होंने एक अपील की कि 21 जून को समग्र विश्व योग दिन के रूप में स्वीकार करे और हमारा जो योग का विज्ञान है विश्व के हर व्यक्ति तक पहुंचे और विश्व के हर व्यक्ति के जीवन में प्रकाश हो। और मित्रों, आश्चर्य की बात है कि कई बार विश्व दिन मनाने के अलग अलग संपर्क संकल्प अलग अलग नेताओं के द्वारा, अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा रखे गए, मगर किसी भी संकल्प को यूएन की दूसरी जनरल असेंबली के पहले आम स्वीकृति नहीं मिली। और ये योग को, योग दिन मनाने का जो संकल्प देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएन की जनरल असेंबली में रखा, सिर्फ 70 ही दिन के अंदर देश के 177 देशों ने उसको स्वीकार कर लिया। उसी का परिणाम है कि आज के दिन पूरा विश्व योग दिन के रूप में मना रहा है।